However, ठीक है, इवन दो, या मैं इसको वाइल भी लिखता हूं, वाइल, ये सब किसकी निशानी है? ये कॉम्प्लेक्स की निशानी है, पहचान में आ रहा है, इफ बिकॉज दैट वेयर व्हेन ऑल्दो हाउएवर व्हाई। अब अगर आप देखते हैं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें क्या है, आप इनमें से कोई भी वर्ड कनेक्टर के तौर पर यूज हुआ हो नजर आ रहा है, तो आप समझ जाएगा ये कौन सेंटेंस है, ना ये सिंपल है, ना ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक और भी लिख देता हूं मैं साथ, सिंस। अब इसकी सेंटेंस बना लेते हैं। आपने कहा कि भाई इफ कैसे यूज होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड में यू विल सक्सीड इज अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन इफ यू वर्क हार्ड इज इनकम्प्लीट। अग्री करते हो इस बात से? यानी एक कंप्लीट थॉट है, एक इनकम्प्लीट थॉट है, यानी एक पूरी बात मुकम्मल हो रही है एक में बात मुकम्मल नहीं हो रही है, लेकिन इनकम्प्लीट है, ऐसा है इसमें। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, बिकॉज आई वॉज इल। बिकॉज आई वॉज इल पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, यहां पर फॉर करके तोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा। बिकॉज आई वॉज इल जो है इनकम्प्लीट है, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास कंप्लीट है, ये भी क्या हो गया, ये भी बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं कहता हूं आई नो दैट यू आर इनसेन, मैं जानता हूं कि तुम पागल हो, दीवाने हो। आई नो दैट यू आर इनसेन, आई नो एक कंप्लीट सेंटेंस है, दैट यू आर इनसेन इनकम्प्लीट है, फ्रेगमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी आपने क्या कहा, अच्छा इसके अलावा हम देखते हैं वेयर का जोड़ के देखते हैं। लेट मी नो ऑफ द प्लेस वेयर वी कैन कैच अप। अब लेट मी नो द प्लेस, या लेट मी नो ऑफ द प्लेस जो है कंप्लीट सेंटेंस है। वेयर वी कैन कैच अप, वेयर वी कैन कैच अप क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फ्रेगमेंट है। इसके अलावा आई यूज टू eat a lot of chocolate, a lot of chocolates when I was a kid. I used to eat a lot of chocolates when I was a kid. I used to eat a lot of chocolates की complete sentence है, but when I was a kid जो है क्या है, incomplete। इसी तरह से देखते हैं, although he is poor, हालांकि वो गरीब है, he is generous। generous कहते हैं सखी को, मेहरबान करे, मतलब जो लोगों पे पैसे ना होने के बाद भी खर्च करे या लोगों की परवाह करे, generous है। although he is poor, he is generous। तो एक क्या है, although he is poor वाला incomplete है, क्या है, फ्रेगमेंट है। ही इज जेनरस जो है वो कंप्लीट है। क्लियर हुई बात ये? आई कैन नॉट
help you financially. However, I can support you mentally. I can't help you financially, however, I can support you mentally. However, I can support you mentally. So, hey, yeah, that is a fragment that is incomplete. क्लियर हुई बात ये तो कंपाउंड सेंटेंस क्या था वो अलग चीज थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हुआ वेर वाला जब आएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा वेर वाला कब आएगा जब आप किसी प्लेस की बात करेंगे अगर मैं कहता हूँ भाई Tell me the place where I can get mangoes. Tell me the place where I can get mangoes. So, iska matlab kya hai? Jahan se mujhe aam mil jaye, woh jagah bata do mujhe. So, where I can get mangoes, main place yani spot ka pooch raha hoon. Theek hai? Tell me the time where you are free. Tell me the time where you are free. Jab time ki baat aayegi to when aa jayega, jab place ki baat aayegi to where aa jayega. Theek hai? Bas ye khayal karo. Complex sentence ki definition kya hui? जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से सेट पे बताओ मुझे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स क्या होता है पता चल गया सबको वो भी पास पेपर से देखेंगे पहले मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है ये पता चल गया और बस वर्ड्स याद कर लेना एक सेंटेंस कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट होता है तो फिर दूसरा फ्रैगमेंट होता है डेफिनेशन बताइए और मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स दी है इसकी तो एग्जांपल्स अपने पास से कोई मैं शेयर कर देता हूँ उन लोगों से ताकि कभी भी कोई दिमाग में चीज ना आए तो इनमें से कुछ जोड़ जोड़ के चीजें बना लो वाइल का भी बना देता हूँ वाइल पिज्जा इज डिलिशियस जो पिज्जा है वो डिलिशियस होता है ठीक है माना के पिज्जा डिलीशियस होता है यू शुड नॉट ओवर ईट इट लेकिन आपको इसको इंसानों की तरह खाना चाहिए अपना पेट समझ के ठीक है व्हाइल पिज्जा इज डिलीशियस यू शुड नॉट ओवर ईट इट या यू शुड नॉट ईट इट टू मच ईट टू मच कर देता हूं ज्यादा खुश होता है और सेंस कब आता है रीजन के लिए आता है सेंस सेंस इट इज रेनिंग यू शुड नॉट go out since it is raining you should not go out theek hai ye sari examples main share kar deta hu taki tumko yaad rahe complex hota kya hai whatsapp pe bhi kar deta hu aur tag pe bhi kar deta hu koi question hai agar regarding कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की नेचर के हवाले से ये होता क्या है उस हवाले से मुझे अभी भी बता दो ठीक है बाद में जरूरत हो नहीं
अच्छा आप एक ही लम्हे में तुम सीख जाओगे क्या कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, तुमने 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं शी वॉज इंटेलिजेंट येट शी फेल्ड in her exams because her mother was ill. अब देखो जरा यहां पर, she was intelligent yet she failed in her exams. ये हिस्सा जो था ये पूरा compound था, ये हिस्सा क्या था, पूरा compound था, लेकिन because her mother was ill, ये किसका हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा मुश्किल था, चक्कर आ गया है ना। यानी अगर एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस मिल जाए तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, और उस कंपाउंड सेंटेंस में मजीद कोई ये चीज ऐड कर दें जो कॉम्प्लेक्स की हो तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्लियर हुई बात ये? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है पता चल गया? सर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर दीजिएगा या दोबारा कह दीजिएगा? रिपीट दोबारा कर दीजिएगा, कोई उर्दू भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है, तौबा करो जल्दी से। रिपीट करने का मतलब ही दोबारा कहना होता है ना। दोबारा बोलो, रिपीट कर दीजिएगा सर, ये दोबारा बता दीजिएगा सर। सर रिपीट करते हैं। अच्छा मैं कह रहा था शी वाज इंटेलिजेंट येट शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स। ये क्या था, ये येट से जुड़ा है, फैनबॉयज में से है, आप समझ गए क्या है, ये कंपाउंड है। लेकिन शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स का रीजन भी आगे दिया पे आपने, बिकॉज हर मदर वाज इल। अब बिकॉज से जुड़ रहा है आगे, तो ये वाला शी फेल्ड इन हर एग्जाम्स बिकॉज हर मदर वाज इल, ये बेसिकली क्या बन रहा है, कंपाउंड की जगह कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये पहला वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है वो कंपाउंड का है, दूसरा वाला हिस्सा किसका नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का। तो इसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस भी हो और साथ साथ तड़का लगा हो कॉम्प्लेक्स का। सबको क्लियर हुई बात, ये किसी भी तरह से हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जुड़ सकता है किसी भी कंपाउंड के साथ। एकरा क्लियर हुई बात, ये जैन क्लियर हुई बात, ये तमाम क्लियर हुई बात, ये जल्दी से बताओ मुझे। शिजा क्लियर है ये सारी चीजें? शिजा क्लियर है ये सारी चीजें? तफा क्लियर है? जितने भी स्टूडेंट से बता दें जल्दी से क्लियर है, फिर हम लोग पास स्टूडेंट्स के एग्जाम करने के काबिल हो चुके हैं। अब हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब पढ़ लिया है, कुछ रहा नहीं है इसमें। अब दिखाओ भाई कहां पास पेपर है। अच्छा सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, अब क्या कहते हैं मेरे रूहानी बच्चों और बच्चों जितने भी सारे के सारे हैं, इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसको अच्छा आ गया ना वो सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन खुद ही कर सकता है। यानी सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बनती कैसे, या तो फैन बॉय से बनती है या कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्स या वर्ड्स हैं उनसे छोड़ के बन जाती है, और कुछ होती ही नहीं है भाई। यानी अगर दो सेंटेंसेस दिए उनको जोड़ना है तो आप फैन बॉय से जोड़ेंगे, अगर दो सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें से आगे कुछ ऐड करना है कंप्लीट करना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन बनाना आपको सिंपल से क्या होगा, हमेशा सिंपल से आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। यानी सब ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कोई और चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जैसी ही चीज है, उसी तरह ही होती है। क्या रही बात ये? अब जरा कोई मुझे पास पेपर से क्वेश्चन शेयर करो जो तुम्हें लगता है कि मुश्किल लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। सर जी कहिए। सर कंपाउंड सेंटेंस के बाद रीजन अगर मतलब शो होगा तो हमें पता चल जाएगा ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब नहीं रीजन से नहीं पता चलेगा। यहाँ पे हम ना अगर बिकॉज से जुड़ रहा है, दैट से जुड़ रहा है, वेयर से जुड़ रहा है, ऑल्दो से जुड़ रहा है, इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है जो बेसिकली किसकी जो कंजक्शन वाली है जो कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं तो हम समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी आ गया है। अगर फैन वॉइस से जुड़ा हुआ है खाली
तो वो सिर्फ कंपाउंड है। देन बॉयज के साथ अगर ऐसा कभी कोई वर्ड जुड़ गया है तो समझ जाओ क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है ऐसा। और अगर सिर्फ कंपाउंड उसका है कंपाउंड के, देन बॉयज से जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ कंपाउंड है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर दोनों ही उसमें नजर आ रहे हैं समझ जाओ, अगर दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर है जी सर। अब कोई भी पास्ट पेपर का मुझसे शेयर करो जो तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला, कोई भी क्वेश्चन शेयर कर दो मुझे व्हाट्सएप कर दो, एक कर जल्दी से फटाफट, डू इट एएसएपी एज सून एज पॉसिबल। ये मुझे बताने की जरूरत है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। चलो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ये सवाल ने मुझे मुझसे शेयर किया है। इतना मुश्किल सवाल है कि बता नहीं सकता कितना मुश्किल सवाल है। एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है तो ही भेज दिया। अल्लाह की बंदी इसको देख तो लेती, इतना मासूम सवाल। बहुत ही मासूम सवाल। ये ग्रुप में व्हाट्सएप पे सबके पास आ गया, जल्दी से बताएं सबके व्हाट्सएप चल रहे हैं। नो सर, नहीं आया व्हाट्सएप पे। चल मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, मेरे पास भी नहीं आया। मैं BS1 के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत मुश्किल है, चक्कर आ जाएंगे, देखते हैं, गिर गिर मत जाना कहीं भाई। मिल गया सबको। डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नजर आ गया, पहले वाले में लिखा है सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। अब सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग क्या है, एक सिंपल थॉट है इसमें, सिंगल थॉट है, अग्री कहते हो इससे? पहले वाले, पहले वाला सिंपल है, ये लिखने की मार्क मिल गया, एक मार्क मिल गया, कितना मुश्किल था, चक्कर आ गया। सिंस आई हैव नो मिल्क आई विल गो टू द स्टोर। सिंस से जुड़ा है कौन सा है भाई, जल्दी से बताओ बच्चों। कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंटली कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। तो क्या है दूसरा वाला हमारा, कॉम्प्लेक्स। तीसरे वाले पे आओ, बिकॉज इट हैड स्टॉप। अरे यार एक इंग्रेडिएंट तो मिल गया मुझे, किसका, कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। चार्ली कुड नॉट हियर हिज वॉच एंड ही वॉज वरिड, एंड भी आ गया, बिकॉज भी आ गया, कौन सा है ये? बीच ही ऑलवेज गेट्स द नास्टी सनबर्न, ना इसमें फैन बॉयज में से कुछ आ रहा है,
ना इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नजर आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स का है. सो बेसिकली ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं जो जुड़े हुए नहीं है. समझ में आई बात यहाँ पर? यानी पहला वाला और लास्ट वाला सिंपल सेंटेंस है, सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा तीसरा वाला जो है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. इसमें सिंपल कंपाउंड सेंटेंस हमें कोई नहीं दिया हुआ. कितना मुश्किल था ये. बहुत मुश्किल था ये. सर आपके सामने सब कुछ आता है और अकेले बैठने में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता. अच्छा अगला क्वेश्चन आया जल्दी से, किसी किसने भेजा मुझे, उसको मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जल्दी से. मैंने प्लेट में रख के दिया, अगर तुम अब हलवा ना खाओ तो भाई तुम लोगों की मर्जी है. भाई तुम लोगों को शुगर हो, डायबिटिक है, तुम लोग तो फिर मसला कुछ और है. अब इसने दिया है सेंटेंस चेक करते हैं भाई. इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला. अच्छा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. यानी दोनों बनाने हैं, दोनों बनाने हैं. कंपाउंड भी बनाना है, कॉम्प्लेक्स भी बनाना है. कॉम्प्लेक्स अलग से बनाना है, कंपाउंड अलग से बनाना है. ठीक है. अब बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. ये सिंगल आइडिया है, आपको एक आइडिया खुद से एड करना है. ठीक है. He must work hard to make up for the lost time. एक आइडिया नहीं है मैच में यहाँ पर. क्लियर है? समझ आ रही बात ये? अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी सेंटेंस को तोड़ दें हिस्सों में और इसी की दो आइडियाज निकाल लें, एक ही आइडिया को दो आइडिया में तोड़ दें, या एक ऑप्शन क्या है, नया आइडिया लेकर आ जाए. अब आप भी मुझे बताइए कि आप किस चॉइस पे जाना चाहेंगे, और चॉइस पे जाना चाहेंगे कि इसी में से आइडियाज निकाल लेते हैं तो आसानी होगी हमें, या नया लेकर आ जाते हैं. सर दोनों बता दो, पहले देख लेते हैं. चलो, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. ठीक है. अब मैं कह सकता हूं भाई ही लॉस्ट. ठीक है, ही लॉस्ट सम टाइम. ही लॉस्ट सम टाइम हो सकता है, या ही लॉस्ट टाइम हो सकता है. एक सेंटेंस हो सकता है, नहीं उसे थोड़ा वक्त गवाया है. सेंटेंस अगर मैं कहता हूं ही हैज लॉस्ट सम टाइम, उसने कुछ वक्त गवा दिया है, हो सकता है सेंटेंस ये? और ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक, और अगर मैं कहता हूं ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप द टाइम या टू मेक अप फॉर द टाइम, ये भी हो सकता है एक सेंटेंस है ना. यानी मैं यहां पर व्हाट्सएप पे इसका आंसर लिख देता हूं, तुम लोगों की समझ में आ जाएगा. ही must work hard to make up for the lost time. एक ये मैंने बात कह दी, ये एक आइडिया पूरा लिखा हुआ, और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, he has